शो। नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइज दोस्तों, जियो रिलायंस ने दोस्तों हाल ही फिलहाल में एक नया अपडेट जारी किया है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो दोस्तों अगर 5G आप भी यूज़ कर रहे हैं या 4G यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 5G काफ़ी समय से लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 5G अनलिमिटेड। तो यहाँ पर इसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर अब 6G लॉन्च होने वाला है। कब लॉन्च होगा और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन बस ऑर्डर देने की बारी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो जियो का एक नया अपडेट आया है, यानी कि नया आदेश आया है उसके बारे में। तो ये 6G आपको कब तक मिलेगा, कब तक जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर देना है, एंड चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों जियो रिलायंस ने अपनी 5G सेवा को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है अभी, ठीक है। फिलहाल काफ़ी सारे जो है राज्यों में पहुँच चुका है, लेकिन काफ़ी सारे राज्यों में अभी तक नहीं पहुँचा है, तो वहाँ भी अभी कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर 5G नेटवर्क पर भी काम कर रहा है, ठीक है। और टेलकोस ने अभी हाल फिलहाल में 5G इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन नामक एक सलाह दी है, जिसमें उन्हें पत्र भेजा है कि भारत में 6G के लिए रोल आउट के लिए 6 GHz एक्सपर्टम का महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह इतना नहीं है कि भारत में 5G कवरेज प्रदान करें। तो इनका साफ साफ कहना है कि 5G में इतना जो है कवरेज नहीं प्रदान हो पाता है, तो इसीलिए 6 GHz का एक्सपर्टम जो है उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे भारत में जो है 6G का नेटवर्क पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो 5G से कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो जियो के मुताबिक सरकार ने 6 GHz बैंड को केवल वाईफाई सेवाओं के लिए लाइसेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि संजोग से टेक एवं कंपनी जैसे हैं उनमें भी इसका जो है लाइसेंस देना चाहिए। यानी कि जो जैसे कि दोस्तों वाईफाई में नहीं है और जैसे कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें भी दोस्तों इसका लाइसेंस देना आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बताया गया कि इसका पूरा देश में जो है आसानी से वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए दोस्तों किया जा सकता है, जिसमें जियो GSM एसोसिएट्स के साथ मिलकर दावा किया गया कि वर्तमान में 5G का पेशकश के लिए अभी 6G स्पेक्ट्रम की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जियो द्वारा कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो बिना लाइसेंस के स्पेक्ट्रम तक पहुँचाना चाहती हैं, और लेकिन वो लाइसेंस के प्रक्रिया से गुजरा है और स्पेक्ट्रम के लिए बाजार का मूल्य भुगतान नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो भी अभी कंपनियाँ हैं जो लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, तो उनको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि उनका बाजार मूल्य जो है वो देख चुकी है कि कैसा क्या माहौल है, ठीक है। तो इन पार्टियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करते समय उनकी लाइसेंस जो भी स्पेक्ट्रम जब उनको 6G की सेवा दी जाएगी, तो उस समय दोस्तों उनसे पहले दोस्तों लाइसेंस की प्रक्रिया जो भी होगी उनको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, लाइसेंस उनको बनवाना पड़ेगा, देन उसके बाद दोस्तों इस पर काम चलेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले जो लाइसेंस प्राप्त कर लेगा स्पेक्ट्रम उसी का सबसे पहले लग जाएगा, उसी को सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और बाकी के दोस्तों जो भी कंपनियाँ के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो लाइसेंस के बारे में बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों इस पर बात चल रही है, ठीक है। तो बताया गया कि सबसे पहले जो भी 6G का वाईफाई लेगा तो उसको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आपका ऐसा लाइसेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उस पर दोस्तों आपको जो भी नई वीडियो आएगी, ठीक है, नई जो भी न्यूज़ आएगी, तो उसके हिसाब से दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल अभी इतना ही अनाउंसमेंट हुआ है। तो बाकी दोस्तों जानकारी के दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे ये भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं ना खबर में, जय हिंद।